हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्थी होंगे। मैं भी फिट एंड फाइन हूँ। सो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 8:30 और मैं यहाँ पे बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में सब्जी बन चुकी है और यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही हूँ। तो रोटियाँ बनाने से पहले जो भी होता है फ्रेश वगैरह हो चुकी हूँ और अब मैं किचन पर आकर रोटियाँ बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में। तो मैंने सारा काम करके झाड़ू पोछा, क्लीनिंग, सारी टेस्टिंग हो चुकी है और इसके बाद मैं नहाने जा रही थी। तो साजी की कल से मेहंदी भी गा रही थी, लगानी मुझे भी थी बट मैंने ऑयलिंग कर दी थी बालों में, इसलिए मैंने लगाई नहीं साजी को। फिर मैंने मेहंदी लगाई है तो उनकी मेहंदी लगा दी थी। इसके बाद मैंने कपड़े रखे थे मशीन में और मशीन में कपड़े रखने के बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। तो नहाने हम जो हमारी शॉप तो है आपको पता है परचून की, तो वहाँ तेल रिफाइंड के कंटर आते हैं तो हम उनका यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमने मिट्टी भर रहे हैं इसमें, अब फूल के पेड़ लगेंगे सब में। तो ये मैं सोच रही हूँ कि ये फूल के पेड़ सीधा वहाँ तक और पेंट कर रहे हैं। हम पेंटर तो है नहीं, बस थोड़ा सा अपनी कलीकारी कर रहे हैं। ये साजिन और थोड़े से गांव के लोग भी, दो चार लड़के आए थे गांव के, तो उन्होंने ये घर घर बनाए। देखो कितनी अच्छी पेंटिंग करी है। जितना भी कलर हम पे अवेलेबल था, मतलब जिब बचा पूछा था हमने यूज़ करा, बस स्पेशली मैं ये येलो कलर लेके आई थी कंटरों के लिए। तो कुछ कंटर यहाँ पे काट के रखे हैं, इन पे भी पेंट हो चुका है और इन पर भी मैं थोड़ा सा कलीकारी करूँगा। ये सारा आज काम करा है मेरी साजी ने, क्योंकि मेरे पे टाइम नहीं था। मैं सोच रही थी बट मैंने उन्हें ये बोल दिया कि आप ही कर दो पेंट, तो उन्होंने करा है, बखूबी निभाया। और ये अभी बना रही है यह चिड़िया सूरज को देखते हुए। सूरज बना नहीं है बट बना दिया है, ऐसी जैसे भी बना है। 3:45 बज गया और लेट हो रहा है लंच। और ये मेरी ननद ने बनाया आज दाल चावल। तो आज बिजी थे और मौसम, वेदर फिर से ख़राब होने लग गया है, तो अब लंच कर रहे हैं। आजकल हमारे यहाँ भीड़ ही भीड़ है, सब आ रहे हैं छुट्टियों में, जो मोदी जी ने ऐलान करा कोरोना वायरस की वजह से कि बच्चों की छुट्टी है। तो जहाँ जहाँ दूर दूर बच्चे रहते हैं वहाँ वहाँ से आ गए हैं, छुट्टियाँ पड़ी है स्कूल की। ये चंबा से आ रहे थे, रोटी से आ रहे थे, तो अभी और भी आना बाकी है। और ये देखिए संतरा खा रहा है इस टाइम, खाने के टाइम पे किनू खा रहा। तो बच्चा पार्टी हो रही है आजकल, सबसे छोटा बच्चा ये है कुकू सबसे छोटा बच्चा है इनमें से। तो ये इसकी स्कूल में जाता है, इसकी छुट्टियां हैं। ये लड़ाई कर रहे हैं। ए पप्पी साबुन लगाओ, ये देखो इसको मिर्च लगाओ। ये देखिए इन्हें पता है जब नहाते हैं तो साबुन से मिर्च लगते हैं, तो एक दूसरे को साबुन से परार कर रहे हैं। और ये देखिए गोभी है, चाकू गोभी है गंदा, वो अपना खुद ही लगा रहे हैं, वो मिर्च लगेगी बेबी। इसके बाद अब जो भी लंच के बर्तन थे वो मैं छानने लग गई थी, क्योंकि इससे पहले मैंने कपड़े धुल रहे थे वॉशिंग मशीन में। जो कपड़े मतलब ज़्यादा गंदे नहीं रहते वो धुल लिए थे, और जो गंदे रहते जो उसमें ज़्यादा मैल रहते हो हाथ के, मैं बाहर पे धोने लगी थी, इसलिए मैं लंच बना नहीं पाई। तो मैंने यहाँ पे बर्तन छान लिए थे। इसके बाद जो भी क्लीनिंग होती है, जो भी इतने सारे मतलब बच्चे के साथ तो होता ही है, गंदा हो जाता है घर, बच्चे खाना कम खाते कम है और गिराते जाता है। तो मैं सारी डस्टिंग कर रही थी उनके टॉयलेट। उसके बाद फ्रेंड्स मैं छत में चले गई थी और ये वो कपड़े जो मैंने मॉर्निंग में धुले थे और ड्रायर कर लिए थे, फिर थोड़ा धूप सुखा दी थी, तो यहाँ हवा हो चली गई है उस कारण घूमने लगे थे। तो ये वो कपड़े हैं जो मैंने हाथ से धुले हैं और इनको भी ड्रायर कर सुखा दी थी। अब मैं नीचे आ गई थी और टाइम थोड़ा खुद के लिए मिल गया था, तो मैंने सोचा बाल वगैरह बना लें, क्योंकि ऐसा हर हाउस वाइफ के साथ होता है, पहले वो घर का ध्यान रखती है फिर वो खुद का ध्यान रखती है। तो मैंने बाल बुल बना लिया और जो भी होता है सिंगार का लिपस्टिक, बिंदी, काजल और सिंदूर लगा दी थी, और थोड़ा कोल्ड क्रीम भी लगा दी थी क्योंकि ड्राई ड्राई हो रहा था फिर, तो ये भी यूज़ कर ली थी मैंने। वैसे मोस्टली मैं क्रीम यूज़ करती नहीं हूँ बट विंटर टाइम में करती हूँ। और बस ये करने के बाद तब तक सास जी और भी आ गई थी, जो बचे थे लंच करने के लिए वो आ गए थे, क्योंकि सास जी ने भी नहीं करा था, वो पेंट कर रहे थे इसलिए उन्होंने करा नहीं था। बाकी दो सास जी जा रही थी घास लेने तो उनका वेट कर रहे थे। और ये बिंदी मैं निकाल रही हूँ, जो वैसे रहती है कलरफुल बिंदियाँ रहती हैं, तो मैं पिंक कलर की निकाल रही हूँ। और ये वैसी बिंदी है जो जिसका मतलब कागज़ चिपका रहता है, तो ये लॉन्ग लास्टिंग पे ग्लू बहुत ज़्यादा रहता है और कलर डार्क शेड होता है, इसलिए मैं इनको यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। तो
मैं हमेशा इनको यूज़ करती हूँ। इनका कलर मुझे बहुत कलरफुल तो होती प्लस इनका कलर बहुत डार्क होता है, इस कारण ये बिंदी मैं यूज़ करती हूँ। तो आप जितने भी हाउस वाइफ है कौन कौन ये बिंदियाँ यूज़ करती है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मैं और कोई भी बिंदी नहीं लेती, चाहे पार्टी वेयर हो या पैसे वेयर हो, मैं इसी बिंदी को यूज़ करती हूँ, प्लेन बिंदी है। और इसके बाद मैंने काजल लगा दिए और अब मैं सिंदूर लगा रही हूँ। बस 4 बजने वाले हैं, 10 मिनट कम है। तो ये तीनों मेरी सासू जी है जिन्होंने हरा सांप बांधा, फर्स्ट नंबर की सासू, ये वाली दूसरे नंबर की सासू और वो वाली तीसरे नंबर की सासू जी। तो ये अभी वाली सासू जी पेंट में बिजी थी तो आप खाना खा रही है। ये दोनों सासू जी घास लेने गए थे तो ये अब आए हैं 4:30 बजे आराम, तो अब खाना खा रही है। खाना तो, भी नहीं बोली बोला तो बोला नहीं मैंने का काम करे तो बस तीनों बिजी थे तो इसलिए लेट से खाना खा रहे हैं और हम सब ने खा लिया था। तो बस अब 4:30 बज गए हैं, ओवरऑल पूरा दिन कंप्लीट होने वाला है, बिजी 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 डे। तो उन सासों जी से मैंने आपको मिलाया नहीं जो सूट वाली है, चंबा रहती है एक्चुअली, तो आजकल बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई तो आ रही है। अब रात का टाइम हो चुका है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 10:15 बज रहे होंगे, तो डिनर के बाद ये जितने भी बर्तन हैं इस साफ़ करने के बाद, फिर अब मैं ये साफ़ करने के बाद अब बेडरूम में चले गई। ये व्यू है रात का पहाड़ों का, कितना प्यारा है, लाइटिंग लाइटिंग पहाड़ों के बीच, सो ब्यूटीफुल। फाइनली मैं बेडरूम में आ गई और अब सोएंगे, और सोने से पहले मैं दूध हमेशा पीती हूँ, तो उसके बाद मैं ये कैल्शियम की दवाई खाती हूँ क्योंकि मेरे पे कैल्शियम की कमी है। तो डॉक्टर ने बोला कि हमेशा दूध कैल्शियम की चीज़ें और ये दवाई जो भी खा रहा है, कि मैं वैसे तो इवनिंग टाइम, वैसे तो उन्होंने बोला था कि दोपहर में खाना, बट भूल जाती तो इसलिए मैं नाइट में खा लेती हूँ दूध के साथ। और उसके बाद मैं सोने से पहले लगाती हूँ ये एलोवेरा जेल अपने फेस में, और बस यही था मेरा नाइट रूटीन। तो जो मेरे ओसिन सब्सक्राइबर ओसिन, आई होप सबको और आपको भी ये मेरा ब्लॉग्स पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और तो जो सब्सक्राइबर ओसिन है तो मैंने आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी है, आपने बोला था कि ब्रश करना, फेस वॉश, ये तो कॉमन चीज़ें, ये मैं सूट नहीं कर पाई जल्दीबाजी में, बट हाँ लिटरली ब्रश, जैसे मॉर्निंग में उठते हैं तो ब्रश के बाद जो भी किचन में चले जाते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने, तो मैंने वो आपसे शेयर करा है क्योंकि उस समय होता है जल्दीबाजी में कैमरा हम ले नहीं पाते हाथ में। तो उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट का आपसे सूट करके दिखा दिया था, उसके बाद फिर बीच बीच में होता रहता है जब जब थोड़ा बिजी हो जाते तो कैमरा लेना भूल जाते, तो शाम को जब मैंने दिखाया था, शाम को जो खाना खाने के बाद जब सास जी और सब खाना खा लेते, उसके बाद कुकू और हम थोड़ा सा ऐसे चले गए थे अपने पुराने घर पे, वहाँ हम चले गए थे, तो वहाँ से आके फिर कुकू चिड़चिड़ा होने लग गया था, तो उसको बहुत मतलब तो पहले देर तक उसको संभाला क्योंकि बच्चे जब चिड़चिड़े हो जाते तो इधर उधर मतलब बहुत परेशान करते, तो वो चिड़चिड़ा हो गया था तो उसको बहुत रोने में लगा होता, तो उसको पहले मैं इधर ले जा रही थी उसे उधर, मतलब बहुत वो कर रही थी, तो उससे मैं भी थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया था, लेट हो गई थी डिनर बनाने में क्योंकि बच्चे होते ही खेल खेल में लग जाती है इधर उधर, तो इस कारण वो चिड़चिड़ा हो रहा था उसके, एक्चुअली सर पे और पैर पर चोट लग गई थी हल्की फुल्की, तो इस कारण रोने लग गया था वहाँ खेल खेल में। तो फिर बस ये था कि 8:30 के अराउंड सब्जी मेरी ननद ने बना दी थी, तब तक मैं कुकू को संभाल रही थी, तो 8:30 के अराउंड वो ठीक मतलब शांत हो गया था, मैं उसको पड़ोसी के घर ले गई थी, वहाँ बेबी था उनके घर ले गई थी, थोड़ा चुप हो गया था, फिर लेके आई 8:30 के अराउंड, तो फिर रोटी वगैरह बनाई, तो ऐसे डिनर करते करते तब फाइनली बर्तन वगैरह साफ करने में 11 तक मतलब 10:30 में मैं बेड फ्री हो जाती मोस्टली, और 11 तक मतलब बेडरूम में आ जाती। तो ये था मेरा मॉर्निंग का नाइट रूटीन, क्योंकि
कि मोस्टली हर हाउसवाइफ का ऐसी रूटीन होता है, और बेबी के साथ तो ऐसा होता ही है, क्योंकि हम ऐसा तो है नहीं कि हम काम ही करते रहते हैं, बीच बीच में बच्चा भी कुछ ना कुछ कभी बोलता है कभी, तो टाइम ऐसे बीत जाता है। तो बस ये था, आई होप आपको पसंद आई वीडियो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, और आपको पसंद आ रही है वीडियो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए फ्रेंड, सपोर्ट करिए मेरा, क्योंकि मैं न्यू यूट्यूबर हूँ, न्यू क्रिएटर हूँ, तो अच्छा लगेगा कि आप सब मेरा सपोर्ट करेंगे। तो बाय, मिलते हैं नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ, बाय, सी यू सून नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, आई टेक